और बच्चा लो कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, पुराने जमाने में घर में मेंबर बहुत ज्यादा होते थे और घर बहुत बड़े होते थे। आंगन होते थे और छत होती थी। कपड़े कहीं भी सुखाते थे और एक जना कोई कपड़े डाल के आता था, एक जना उतार के भी आता था। आज के टाइम में मेंबर बहुत कम, जगह बहुत कम और धूप तो है ही नहीं, क्योंकि छत भी नहीं है और बालकनी भी ज़्यादा धूप नहीं आती है, आंगन तो है ही नहीं। तो ऐसे टाइम में कपड़े सुखाना बहुत मुश्किल, खासतौर से जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं। छोटे छोटे कपड़े सुखाएं कैसे? घर में रखी हुई कुछ पुरानी चीज़ों से कैसे बनते हैं ऑर्गेनाइजर, चलिए देख लेते हैं। आपके घर में कोई छोटी सी बास्केट हो वो ले सकते हैं, या कोई छन्नी हो जिसे हम आटा वगैरह छानते हैं। ये देखिए, मैंने एक पेचकश लिया है जिसे गरम करके मैं होल्स कर रही हूँ। अब ये जो होल्स करने वाली बात है ना, कभी भी आप बच्चों के सामने मत कीजिए। बच्चे नहीं तो हमें ही देख के कभी कभी उल्टा सीधा काम कर देंगे, तो कभी नुकसान ना कर दें, इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें। मैंने करीब 12 होल्स किए हैं इसमें। आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर करिए, डिपेंड करता है कितनी बड़ी डलिया है। आप इस तरीके से होल्स कर दीजिए। अब जो जहाँ पर छन्नी लगी हुई है उस ऊपर वाले पोर्शन में आप 4 होल्स कीजिए। मुझे लगता है आपको ये ऑर्गेनाइजर इतना पसंद आएगा, एक नहीं दो दो बनाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। एक ही ऑर्गेनाइजर में आपके ढेर सारे कपड़े लग जाएंगे। अब सब होल्स हो गए हैं, अब हमें जो दूसरा मटेरियल चाहिए वेस्ट, आपके पास कोई ऊन हो, सूतली हो या कोई मजबूत रस्सी सी हो, उसे भी आप बांध सकते हैं। यहाँ मैंने इस तरीके से लंबाई नापी है, लंबाई आपको जितनी चाहिए उस हिसाब से लीजिए। हर ऊन को आप डबल तो कम से कम कीजिए, तभी वो मजबूती से बनेगी। अब अपन ने 12 होल्स नीचे किए थे, 4 होल्स ऊपर किए थे, तो सभी के लिए हमें इस तरीके से डबल करके लेना होगा। और हाँ बच्चों, इस ऑर्गेनाइजर को हम बना तो रहे, तब तक अगर आप चैनल पर नए आए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मैंने सबको इस तरीके से कट कर दिया है। तीसरी चीज चाहिए मुझे वो जिससे हम कपड़े उड़े ना, तो हम पिंस लगाते हैं, वो पिंस चाहिए। इस पिन में आप हर डोरी को बांध दीजिए। ये देखिए, अब डोरी को बांधने के बाद जो दूसरा वाला छोर है उसे आप इस तरीके से डलिया में, छन्नी में बांध दीजिए। बहुत आसान है बनाना, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। धागा जो बच जाता है उसे हटा दीजिए। मैं एक और आपको बना के दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको पिन बांधनी है, जो बंद वाला हिस्सा है वहाँ पर, बस यहाँ एक नॉट लगा दीजिए जिससे ये जो पिन है इधर उधर ना घूमे, बिल्कुल अटैच रहेगी वहीं पे। अब बीच में जो डोरी है तो वो भी खुले ना, तो इसके लिए आप बीच बीच में आप नॉट लगाते जाइए। यहाँ भी एक नॉट लगा दीजिए। जो लास्ट वाला पोर्शन है उसे आप इस तरीके से डलिया में या फिर छन्नी में बांध दीजिए। ये देखिए, मैंने पूरी 12 की 12 इसमें पिने भी लगा दी हैं, डोरियां लगा दी हैं। अब ये बनकर तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं इसको कैसे हम हैंग करेंगे। जो पीछे वाला साइड है वहाँ पर भी इसी तरीके से डोरियां लगानी है, लेकिन यहाँ पे डोरियां लगाने से पहले आपको एक काम और करना है। जो स्ट्रॉ होते हैं ना, बच्चे अक्सर जो फ्रूटी वगैरह पीते हैं वो ले सकते हो, या जो भी स्ट्रॉ, मैंने इस तरीके से डोरियों में स्ट्रॉ लगा दिए हैं। जो ऊपर की 4 डोरियां हैं उससे सुंदरता भी बढ़ेगी और मजबूती बहुत बढ़िया आएगी, आप हैंग बहुत अच्छे से कर सकोगे। ये देखिए, मैंने 4 स्ट्रॉ लगा दिए हैं। अब 4 को इकट्ठा करके यहाँ पे नॉट लगा दीजिए। अब जैसा आपको हैंग करना है उस हिसाब से यहाँ पर आप नॉट लगा दीजिए। बस ये बन गया आपका ऑर्गेनाइजर। मैं आपको दिखाती हूँ 2 जगह लगा के, कपड़े भी लगा के कैसा लग रहा है आपको। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत ही मजबूती से लग गया है। और ये जो आप नीचे हैं वो 12 पिने, उसमें तो आप खूब सारे कपड़े लगाएंगे। जो ऊपर छन्नी है ना, उस पर भी आप छोटे छोटे मोजे या कुछ भी लगा सकते हैं। बीच में जो गैप है वहाँ पर आप थोड़ी छोटी डोरी डालकर भी लगा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं। धूप है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है धूप तब भी कम स्पेस में आपके बहुत सारे कपड़े सूख जाएंगे। ये ऑर्गेनाइजर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।